पीएम मोदी ने भारत मंडपम में पहला नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड दिया है। 3 अंतर्राष्ट्रीय समेत 23 विजेताओं को पीएम मोदी ने सम्मानित किया। देश में पहली बार दिए गए इस पुरस्कार के लिए तकरीबन 1.5 लाख नामांकन आए थे और तकरीबन 10 लाख वोट डाले गए। अलग अलग कैटेगरी में डिजिटल क्रिएटर्स सम्मानित किए गए। पहले नेशनल क्रिएटर अवार्ड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कथावाचक जया किशोरी को अवार्ड दिया। सामाजिक परिवर्तन के लिए सर्वश्रेष्ठ रचनाकार का पुरस्कार प्रदान किया। पीएम मोदी ने लोक गायिका मैथिली ठाकुर को भी सम्मानित किया। इस दौरान मैथिली ठाकुर ने शिवरात्रि के मौके पर एक भजन भी सुनाया। एक दिन एक डमरू कर बाजे, प्रेम मगन नाचे भोला भोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम में ड्रू हिक्स को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार प्रदान किया। ड्रू हिक्स भोजपुरी बोलने में माहिर है। नहीं, मैं बहुत खुश हूं, धन्यवाद अवार्ड के लिए। और मैं बस लोगों को खुश करना चाहता हूं और भारत का नाम रोशन करना चाहता हूं। पीएम मोदी ने गौरव चौधरी को तकनीकी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ रचनाकार का पुरस्कार प्रदान किया। इस दौरान पीएम मोदी ने अवार्ड विजेताओं से बात की। आज जारी हो सकती है कांग्रेस की पहली लिस्ट। इस पहली लिस्ट में 60 प्रत्याशियों के नाम तय किए गए। सूत्रों के मुताबिक वायनाड से राहुल गांधी का चुनाव लड़ना तय। पर अमेठी की सीट पर राहुल गांधी के नाम पर सस्पेंस। आज पहली लिस्ट में केरल, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, कर्नाटक के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो सकता है। रायबरेली सीट पर अभी भी नहीं हुआ मंथन। तिरुवनंतपुरम से शशि थरूर को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को राजनांदगांव सीट से प्रत्याशी बनाया जा सकता है। 11 मार्च को कांग्रेस सीईसी की एक बार फिर बैठक। इस बैठक में यूपी, बिहार, गुजरात को लेकर प्रत्याशियों के नामों पर मुहर लगाई जा सकती है। बिहार को लेकर फॉर्मूला हुआ सेट। सीट शेयरिंग को लेकर चंद्रबाबू नायडू की शाह से मुलाकात। अलायंस पर हो सकता है ऐलान। टीडीपी के एनडीए के साथ आने की बातचीत के लिहाज से ये मीटिंग बेहद अहम। शाह के आवास पर होने वाली मीटिंग में नड्डा शामिल। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी 6 संसदीय सीट चाह रही है। नायडू ने बीजेपी और जनसेना दोनों को मिलकर 6 सीटें देने की पेशकश की। टीडीपी बीजेपी को 4 लोकसभा और 6 विधानसभा का ऑफर दे रही, जबकि बीजेपी 6 लोकसभा और 10 विधानसभा सीटें मांग रही। बीजेपी अपने पुराने सहयोगी को एनडीए गठबंधन का हिस्सा बनाने की पुरजोर कोशिश में जुटी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने एनडीए 400 पार का नारा दिया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का गुजरात में आज दूसरा दिन। दाहोद बस अड्डे पहुंची राहुल की यात्रा। महिला दिवस पर राहुल महिलाओं के मुद्दे पर करेंगे बात। दाहोद के बस अड्डे से राहुल की न्याय यात्रा की शुरुआत। महिला दिवस मनाने के साथ हुई यात्रा की शुरुआत। दाहोद बस स्टॉप पर आदिवासी बहनों ने गुजरात का सांस्कृतिक और पारंपरिक नृत्य गरबा खेलकर राहुल गांधी का किया भव्य स्वागत। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा, बांसवाड़ा में कल की जनसभा हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण थी। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, राहुल ने युवा न्याय को लेकर 5 बड़े ऐलान किए। जयराम रमेश ने कहा, अब तक हमने किसान न्याय, हिस्सेदारी न्याय, युवा न्याय की गारंटी दी। अगले कुछ दिनों में हम नारी न्याय, श्रमिक न्याय की गारंटी देंगे। लोकसभा चुनावों के लिए दिल्ली में आज से आम आदमी पार्टी शुरू करेगी चुनाव प्रचार। दोपहर के बाद आपका कैंपेन लॉन्च होगा। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान आज लोकसभा का कैंपेन लॉन्च करेंगे। पार्टी दफ्तर में आज दोनों सीएम दिल्ली में लोकसभा कैंपेन की शुरुआत करेंगे। दिल्ली के लिए एक्शन में आई आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। चुनाव प्रचार के लिए दिल्ली में बनेगी समन्वय समिति। कांग्रेस और आप मिलकर करेगी प्रचार। कांग्रेस दफ्तर में होगा एक वॉर रूम, तो आम आदमी पार्टी डोर टू डोर कैंपेनिंग करेगी, घर घर जाकर वोट मांगेगी। चुनाव प्रचार की तैयारियों को लेकर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के 4 उम्मीदवारों के साथ बैठक की। आपके कैंपेन की रणनीति पर मंथन किया। जम्मू कश्मीर के बाद पीएम नरेंद्र मोदी का आज असम दौरा। कांजीरंगा नेशनल पार्क में पीएम मोदी भ्रमण करेंगे। असम को देंगे करोड़ों की सौगात। पीएम मोदी आज शाम नेशनल पार्क पहुंचेंगे, रात वहीं बिताएंगे। कांजीरंगा में पीएम जीप सफारी पर निकलेंगे और हाथी की सवारी भी करेंगे। 9 मार्च यानी कल प्रधानमंत्री जोरहाट में विश्व प्रसिद्ध अहोम जनरल की 125 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण करेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 5.5 लाख घरों के लिए गृह प्रवेश समारोह में शामिल होंगे। पीएम मोदी के असम दौरे से पहले असम के सीएम हेमंता बिस्वा सरमा ने लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया। कहा, नॉर्थ ईस्ट की 25 में से 22 सीटें एनडीए जीतने जा रही है। आउट ऑफ 25
बट वो 323 भी बन सकता है, वो बड़ा बात नहीं है, बिकॉज आई सेड दैट 11.5 सो 12 हो सकता है। बीजेपी की पहली लिस्ट में नितिन गडकरी का नाम ना होने पर उद्धव ठाकरे ने दिया नितिन गडकरी को खुला ऑफर, कहा नितिन जी छोड़िए भाजपा, इस्तीफा दीजिए। रैली में गर्जे उद्धव ठाकरे, कहा नितिन गडकरी हमारे साथ आइए, हम आपको महाविकास अघाड़ी से जिताकर दिखाते हैं। बोले हम मोदी शाह को नहीं, प्रमोद महाजन गोपीनाथ मुंडे को जानते हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा महाराष्ट्र कभी दिल्ली के सामने नहीं झुका, आगरा में औरंगजेब के सामने छत्रपति शिवाजी महाराज भी नहीं झुके थे, इनके सामने झुकेंगे। शिवसेना नेता रामदास कदम के बेटे सिद्धेश को मिली बड़ी जिम्मेदारी, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रमुख बने रामदास कदम। एएल जहाज की जगह लेंगे सिद्धेश कदम, बिना किसी कारण से अनुपस्थित रहने के कारण पद से हटाए गए। जहाज को 7 सितंबर को एमपीसीबी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। सिद्धेश के भाई योगेश कदम दापोली से विधायक हैं, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के शिवसेना के सदस्य हैं योगेश कदम। खुद को सीएम से ज्यादा पावरफुल बताने वाले ओम प्रकाश राजभर ने सफाई दी, कहा खुद को विलेन नहीं हीरो के रूप में दिखाया। मऊ में एक रैली को संबोधित करते हुए राजभर ने खुद को फिल्म शोले का गब्बर बताया था, कहा था कि कोई भी परेशानी हो तो पीला गमछा पहनकर थाने जाएं। राजभर ने कार्यकर्ता से कहा कि अगर किसी पर अत्याचार हो तो किसी को याद नहीं करना, सिर्फ राजभर को याद करना, पावर किसी के पास है तो वो राजभर के पास है। महिला दिवस पर पीएम मोदी का तोहफा, एलपीजी सिलेंडर के दाम 100 रुपए हुए कम, पीएम ने एक्स पर लिखा महिला दिवस पर हमारी सरकार ने जनता का बोझ कम किया। एलपीजी की कीमत में 100 रुपए की छूट का ऐलान, पीएम ने कहा नारी शक्ति का जीवन आसान होने के साथ ही करोड़ों परिवारों का आर्थिक बोझ भी कम होगा। घरेलू रसोई गैस की कीमतों में 100 रुपए प्रति सिलेंडर की कटौती के बाद दिल्ली में सिलेंडर के दाम 803 रुपए हुए। विपक्ष ने सिलेंडर की कीमतों में कमी करने की टाइमिंग को लेकर सवाल उठाए, सुप्रिया सुले ने कहा 9 साल से सरकार में है, कीमत घटाने को पहले क्यों नहीं सोचा। सुप्रिया सुले ने कहा जैसे इलेक्शन नजदीक आया मेरा मतलब है कि चुनाव की तारीखों का ऐलान संभवतः अगले 5 से 6 दिनों में कर दिया जाएगा, और तभी ऐसा किया गया। लुक एट द टाइमिंग, लास्ट 4 इयर्स दे हैव बीन इन पावर फॉर द लास्ट 9 इयर्स, व्हाई डिडंट दे थिंक ऑफ दिस अर्लियर। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुरुवार को एलजेपी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान से मुलाकात की, दोनों नेताओं के बीच संभवतः लोकसभा चुनाव में सीट बंटवारे पर चर्चा हुई। बिहार एलजेपी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी का बड़ा बयान, कहा पिछले चुनाव में हमारे हिस्से 6 लोकसभा और 1 राज्यसभा सीट आई थी, इसलिए इतनी दावेदारी तो बनती है। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय के घर पर बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग, बैठक में प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम समेत केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी शामिल। यूपी की चर्चित घोसी लोकसभा सीट सुबह सपा के हिस्से आई है, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी ने उनके बेटे डॉक्टर अरविंद राजभर को घोसी से प्रत्याशी उतारा है। बीजेपी ने की टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को लोकसभा चुनाव लड़ाने की तैयारी, पश्चिम बंगाल की बशीरहाट सीट से बना सकती है उम्मीदवार। केरल में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, पूर्व सीएम के करुणाकरण की बेटी पद्मजा वेणुगोपाल बीजेपी में शामिल। यूपी में बाराबंकी के बाद बीजेपी की श्रावस्ती सीट से प्रत्याशी साकेत मिश्रा को लेकर फूटी नाराजगी, पार्टी कार्यकर्ताओं ने साकेत को बताया पैराशूट कैंडिडेट। पाकिस्तान को आजादी की बधाई देना और अनुच्छेद 370 निरस्त करने को गलत बताना क्राइम नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में सुनवाई के दौरान ये बड़ी टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रत्येक नागरिक को सरकार के किसी भी फैसले की आलोचना करने का अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर अहम टिप्पणी की गई। व्हाट्सएप स्टेटस को लेकर एक प्रोफेसर के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी, प्रोफेसर पर 5 अगस्त काला दिवस जम्मू कश्मीर और 14 अगस्त स्वतंत्रता दिवस मुबारक पाकिस्तान लिखने पर केस हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पाकिस्तानी नागरिकों को शुभकामना देना गलत नहीं और सरकार की आलोचना करना भी गलत नहीं। बेंगलुरु कैफे ब्लास्ट मामले में पीएफआई के पूर्व सदस्य पर शिकंजा, एनआईए ने पीएफआई के उत्तरी तेलंगाना सचिव अब्दुल सलीम को गिरफ्तार किया। खुफिया एजेंसियां विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखकर कर रही मामले की जांच, रामेश्वरम कैफे में हुए आईईडी विस्फोट में कम से कम 9 लोग घायल हुए थे। जांच एजेंसियों के मुताबिक हमले के तरीके से पता चला कि तोड़फोड़ में स्लीपर सेल की सेवा का इस्तेमाल किया गया था, पीएफआई के स्लीपर सेल के सदस्यों ने हमले को अंजाम दिया था।
एनआईए की शुरुआती जांच से पता चला कि संदिग्ध ने हमले को अंजाम देने के लिए पहले रेकी की। वायरल वीडियो में एक संदिग्ध के सामान्य परिधान बेसबॉल टोपी पहने फुटेज मिले थे। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का आज से 4 दिवसीय गोरखपुर दौरा। गृह जिले को देंगे बायो नेचुरल गैस प्लांट सहित 220 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज हल्द्वानी दौरा। काठगोदाम बस टर्मिनल का करेंगे शिलान्यास। जिले को देंगे कई विकास परियोजनाओं की सौगात। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने महिला दिवस के मौके पर दी मुफ्त सफर की सौगात। आज महिलाएं राज्य सरकार की बसों में कर सकेंगी मुफ्त यात्रा। देशभर में महाशिवरात्रि की धूम। महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती की गई। महाकाल मंदिर में भोले भंडारी पर जलाभिषेक के लिए उमड़ा जनसैलाब। काशी में भी भोले भंडारी के लगे जयकारे। महाशिवरात्रि के अवसर पर काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर लगी श्रद्धालुओं की भीड़। झारखंड के देवघर में महाशिवरात्रि के मौके पर उमड़ा भक्तों का जनसैलाब। भारी संख्या में श्रद्धालु बाबा वैद्यनाथ मंदिर पहुंच पूजा अर्चना करते नजर आए। महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबकेश्वर मंदिर में भक्तों का तांता लगा। महाशिवरात्रि के मौके पर पूजा अर्चना के लिए भारी संख्या में भक्त पहुंचे मंदिर। उत्तराखंड में महाशिवरात्रि के मौके पर श्रद्धालुओं ने हरिद्वार के दक्षेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। अयोध्या में भी महाशिवरात्रि की धूम। इस मौके पर भारी संख्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में भक्तों ने दर्शन किए। प्रयागराज में महाशिवरात्रि के मौके पर भक्तों ने किया संगम में स्नान। मुंबई में महाशिवरात्रि के मौके पर बाबुलनाथ मंदिर में दिखा भक्तों का सैलाब। महादेव की पूजा अर्चना की। दिल्ली में महाशिवरात्रि के अवसर पर गौरीशंकर मंदिर में उमड़े भक्त। पूजा अर्चना के लिए आज सुबह से ही लंबी कतारें देखी गई। जम्मू कश्मीर के रियासी में दिखा भक्तों की श्रद्धा। महाशिवरात्रि के मौके पर शंभू मंदिर में श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा के रामलिंगेश्वर स्वामी मंदिर में जुटे भक्त। महाशिवरात्रि के अवसर पर पूजा अर्चना करते नजर आए। उत्तराखंड के देहरादून में भक्तों ने महाशिवरात्रि के अवसर पर टपकेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की। महाशिवरात्रि के मौके पर तेलंगाना के हनुमा कोंडा में केंद्रीय मंत्री और तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष जी किशन रेड्डी ने हजार स्तंभ मंदिर में पूजा अर्चना की। फिल्म आर्टिकल 370 मध्य प्रदेश में हुई टैक्स फ्री। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने की घोषणा। तिरुवनंतपुरम में केरल की स्वास्थ्य मंत्री बीना जॉर्ज ने महिला दिवस के मौके पर मास वॉक का उद्घाटन किया। ओडिशा में रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने पुरी में 500 शिवलिंग से भगवान शिव की रेत से कलाकृति बनाई। असम के गोलाघाट में पीएम मोदी के असम दौरे से पहले बोकाखाट में 1 लाख दिए जलाए गए।